उसने देखा कि कुछ बच्चे जायंट पर फिसल रहे थे, कुछ लोग इस जायंट को काटने की तैयारी भी कर रहे थे। वो देर तक जायंट के पास रुकने का फैसला करता है ताकि जब जायंट के पास कोई ना हो तब वो वहां रहे। जायंट के पास आकर उसने देखा कि जायंट सड़ रहा है, उसके शरीर के अंग अजीब लग रहे थे। वो उस जायंट के कान पर एक लकड़ी को देखता है, वो जायंट के कान को कुर्सी की तरह इस्तेमाल कर रही थी। स्टीवन नोटिस करता है कि जायंट का जो यूथफुल लुक है वो गायब हो रहा है, अब वो जवान नहीं दिख रहा। वो समुद्र में लंबे समय तक रहने का संकेत देता है कि उसके जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो रहे हैं, इसी की वजह से उसकी बॉडी भी डैमेज हो रही थी। स्टीवन जायंट के फेस पर एक इंसेक्ट को नोटिस करता है जो कि उसके मुंह में जा रहा था। स्टीवन सोचता है कि जायंट उस इंसेक्ट के आने से पहले ही डिके हो जाएगा। स्टीवन हिम्मत दिखाकर उस जायंट के पास जाता है। जायंट के सीने को देखने के बाद वो जायंट की बाएं देख रहा है, वो पूरी तरह सड़ चुका था। दूसरे भाग कीड़े मकोड़े खा रहे थे या उनकी आंखों में एक अजीब सी चीज छुपी हुई है, ये उनकी आंखों को एक तालाब का रूप दे रहा था।